वेलकम टू पार्ट्स बाबा ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे आगे एक सप्लाई पड़ी है लेज़र प्रिंटर की। अगर हम इसे दूसरी तरफ से चेक करेंगे तो इसको देख के हमें लग रहा है कि ये 1606 की पावर सप्लाई है। पार्ट नंबर लिखा हुआ है RM17616। ये जो पावर सप्लाई है ये 1606 मॉडल में और 1606 और 1566 दोनों मॉडलों में लग जाती है। आपस में कॉमन होती है ये सप्लाई। अभी हम इसकी सप्लाई को चेक करेंगे कि ये सप्लाई कैसे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं फॉल्ट्स का, और इसमें कौन कौन से फॉल्ट आते हैं, उनका क्या सॉल्यूशंस है। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, हम इसको भी हमने अपनी पुरानी वीडियोस की तरह चार सेक्शन में डिवाइड किया है। पहला पावर सेक्शन की पावर सप्लाई जो डेड है, सेकेंडरी की इसका आउटपुट में क्या वोल्टेजेस आती हैं, थर्ड इसकी ब्राइटनेस कंट्रास्ट या पेंटिंग का इशू क्या है, और फोर्थ जो इसका आपका फ्यूज सेक्शन जो काम नहीं कर रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें पावर सेक्शन के लिए यहाँ पर पावर कोड लगती है, यहाँ पे पावर कोड लगेगी। पावर कोड के बाद इसमें से कुछ वोल्टेज आगे जाएगी वोल्टेज के लिए और कुछ वोल्टेज जाएगी हीटर के लिए। जैसा कि नॉर्मल सप्लाईयों की तरह इसमें भी शो किया हुआ, जैसे यहाँ से मार्किंग देख रहे हैं, ये मार्किंग हो रखी है। इस मार्किंग के थ्रू ये पता लगता है कि ये इसका पहला जो सेक्शन है ये पूरा प्राइमरी सेक्शन, जैसे कि यहाँ लिखा भी हुआ है प्राइमरी सेक्शन सेकेंडरी सेक्शन, यानी कि इस लाइन के इस तरफ जो भी सेक्शन है वो प्राइमरी में आता है और जो आगे का हिस्सा है वो सेकेंडरी सेक्शन में आता है। प्राइमरी सेक्शन किसी भी पावर सप्लाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से मेन पावर सप्लाई बनती है। अब जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं कि यहाँ से पावर सप्लाई कन्वर्ट होकर जा रही है कंपोनेंट के थ्रू, ये इसका ब्रिज डायोड है, ब्रिज के थ्रू यहाँ वोल्टेज बन रही है और यही वोल्टेज आगे मेन फिल्टर कैपेसिटर पे बनेगी और यही वोल्टेज आगे मेन स्विचिंग ट्रांजिस्टर पे जाएगी। इसमें कोई भी ट्रांजिस्टर लगाओ हम इसकी जगह, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हम K4005 या K3596 का ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं, और इसकी स्विचिंग के लिए जो आसपास के कंपोनेंट हैं या ऑप्टो कपलर है, इनके थ्रू कंप्लीट स्विचिंग होती है और आउटपुट के अंदर हमें 24 वोल्ट मिलती है। जैसा कि अगर आपके किसी भी सप्लाई के अंदर आउटपुट के अंदर कम वोल्टेज आती है, 5 वोल्ट, 8 वोल्ट, 12 वोल्ट आती है, तो हम सबसे पहले इसका ये ऑप्टो कपलर सेक्शन चेक करते हैं कि अगर ऑप्टो कपलर स्विचिंग प्रॉपर नहीं कर रहा है तो आपका आउटपुट में वोल्टेज कांस्टेंट नहीं मिलेगी। अब ये जो मॉस्फेट दिया हुआ है, इसकी मॉस्फेट की स्विचिंग के लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस दे रखे हैं 44 ओम्स के दिए हुए हैं, कैपेसिटर दिया हुआ है और एक छोटा सा एक ट्रांजिस्टर दे रखा है Q202, जिसकी हेल्प से ये पूरा स्विचिंग करता है और ट्रांसफार्मर पे हाई वोल्टेज फ्रिक्वेंसी जाती है और जो स्विचिंग करने के बाद मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू आउटपुट में वोल्टेज बनाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके आउटपुट में यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है जो कि आने वाली वोल्टेज को 24 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, और यही 24 वोल्ट एक कॉइल के थ्रू, एक छोटी सी कॉइल के थ्रू आगे कन्वर्ट होके इस IC पे जाती है, जिसका नंबर A733 है। इस IC का मेन फंक्शन ये है कि ये जो 24 वोल्ट इसमें कन्वर्ट होती है, ये इसको कन्वर्ट करके आगे तीन सेक्शन में भेजता है। पहला सेक्शन कि इसमें जो कन्वर्ट करें, आप देख रहे हैं यहाँ से ये कन्वर्ट होके यहाँ पे आउटपुट में जाएगा, और दूसरा सेक्शन यहाँ से यहाँ पे कन्वर्ट होके इस सेक्शन में जाएगा, और इसी में से कुछ हिस्सा जो है वो आपके इस सेक्शन में जाएगा। इस ये IC का काम है वोल्टेज को ट्रांसफर करना, और इसी को अगर आप देखेंगे अगर गौर से, ये ट्रांजिस्टर कन्वर्ट करके यहाँ पे इस छोटे से एक मॉस्फेट पे जा रहा है। छोटा सा एक मॉस्फेट है जिसको 6 टांगों में कन्वर्ट किया गया है, एक तरह का मॉस्फेट है। कई बार ऐसा होता है कि आपके आउटपुट में 24 वोल्ट तो आ रही होती है बट आगे आउटपुट काम नहीं करती, यानी कि मेन मोटर के लिए जो वोल्टेज जाती है पूरे सप्लाई के लिए वो नहीं जाती, तो ये जो छोटा सा कंपोनेंट है ये उस वोल्टेज को 24 वोल्ट को कन्वर्ट करके मोटर के लिए आगे भेजता है, जो कि प्रिंटर को इनिशियलाइज करवाता है, और यही वोल्टेज आगे कन्वर्ट होकर स्कैनर के लिए और ECU कार्ड के कंट्रोलर के लिए जाता है, और यही आगे टोनर के लिए जाता है। अब हम बात कर रहे हैं पावर सेक्शन की। पावर सेक्शन के अंदर हमने देखा कि ये सारा का सारा सेक्शन जो है स्विचिंग में काम में आता है, यहाँ आउटपुट सेक्शन में वोल्टेज आएगी, ये हमारा पूरा पावर सेक्शन है जिसके बारे में कंट्रोल में बात करी है। पावर सेक्शन में मेन कॉमन प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पे अगर आउटपुट आपकी प्रॉपर नहीं बन रही है, आउटपुट में 24 वोल्ट नहीं बन रही है, 5 वोल्ट बन रही है, 12 वोल्ट बन रही है, उसका मेन रीज़न तो हो सकता है स्विचिंग, जैसे मैं आपका यहाँ पूरा हाईलाइट किया हुआ ये कि इस सेक्शन में कहीं भी प्रॉब्लम हो सकती है, बट कई बार ऑप्टो कपलर के आसपास के कंपोनेंट, ये छोटी सी IC लैश दे रखा है, इसके आसपास के कंपोनेंट और यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर दे रखा है, अगर इसको मैं बैक साइड से आपको दिखाऊं, यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर दे रखा है जो स्विचिंग करवाने में हेल्प करता है, सेकेंडरी सेक्शन प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा। अगर ये MOSFET या ट्रांजिस्टर जो भी इसमें दिया हुआ है IC201 रेफरेंस AK, अगर ये ट्रांजिस्टर खराब होगा तो आपके आउटपुट में वोल्टेज नहीं बनेगी, यानी कि 5 वोल्ट या 12 वोल्ट बन रही है तो उस केस में ये ट्रांजिस्टर भी खराब होता है जो सेकेंडरी के साथ काम करता है। या फिर अगर आपकी वोल्टेज 12 बन रही है या 24 बन रही है और लोड नहीं ले रही है, उस केस में भी आपका ये ऑप्टो कपलर सेक्शन खराब होता है। और अगर आपकी आउटपुट में 12 वोल्ट या 24 वोल्ट बन के ड्रॉप हो रही है तो उस केस में आपके स्विचिंग के ये जो सेक्शन दिया हुआ है यहाँ पे ट्रांसफार्मर के पास का, इन सारे कंपोनेंट में से कोई एक कंपोनेंट आपका लीक भी हो सकता है या उसकी वैल्यू शिफ्ट हो सकती है, इसको हम मल्टीमीटर से चेक करके रिप्लेस कर सकते हैं।
पावर सेक्शन में सिर्फ इतना ही हिस्सा जो होता है काम करता है जो आउटपुट में वोल्टेज बनाता है। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हिस्सा जो है ये पावर सेक्शन का हो गया। अब हम बात करेंगे इसके आउटपुट में वोल्टेज सेक्शन की। 24 वोल्ट कन्वर्ट करने के बाद जब ये आईसी काम करती है तो ये इस आईसी का एक जो 24 वोल्ट बनेगी वो इस पॉइंट पे जाएगी। अगर ये कंपोनेंट शॉर्ट है या ख़राब हो गया तो आपका प्रिंटर कभी भी इनिशियलाइज नहीं करेगा और वो हमेशा आपको एरर देगा 59 का मतलब होता है कि मेन मोटर सपोर्ट नहीं कर रही है। जैसा कि अगर हम आपको मल्टीमीटर पे दिखाएं कि इस कंपोनेंट को चेक करने का रीज़न क्या है, अगर आप इसको गौर से देखें इसमें 6 पॉइंट हैं, इसके ऊपर के 2 पॉइंट शॉर्ट होंगे जैसा मीटर में देख रहे हैं, सेकेंड पॉइंट भी शॉर्ट होगा और तीसरा पॉइंट में कोई वोल्टेज नहीं दिखाएगा क्योंकि ये बहुत हाई वोल्टेज होती है, इसमें कोई भी इम्पीडेंस नहीं दिखाई देगा ना राइट में ना लेफ्ट में। इसमें अगर कोई भी पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये आईसी ठीक है। अगर इसमें कोई भी इम्पीडेंस आ जाए 100 से लेके 300 400 500 मेगाहर्ट्ज़ तक या ओम तक कोई भी अगर इसमें इम्पीडेंस दिखाई देती है तो इसका मतलब ये आपका कंपोनेंट फॉल्टी है। इस केस में आपकी 24 वोल्ट तो बनेगी, सप्लाई तो आपकी ऑन होगी, मगर आपका प्रिंटर इनिशियलाइज नहीं करेगा, मोटर सेक्शन काम नहीं करेगा। अगर आप इसी के आगे जाके देखें तो यहाँ पे एक छोटा सा एक ट्रांजिस्टर दे रखा है जो 24 वोल्ट के साथ यहाँ की वोल्टेज कन्वर्ट करने का ये काम करता है। अगर आप इसको बैक साइड से देखें तो यहाँ पे जो वोल्टेज हम देख रहे थे वो इन दो रेजिस्टेंस के थ्रू इस ट्रांजिस्टर पे जाती है। ये ट्रांजिस्टर जो है ये स्कैनर को वोल्टेज देता है, स्कैनर को ऑपरेट करवाता है। अगर ये ट्रांजिस्टर खराब है, टूट चुका है या इसका ट्रैक टूट चुका है तो इस केस में हमेशा आपको 52 स्कैनर का एरर आएगा जिसकी वजह से हमेशा आपको स्कैनर की डाउट रहेगा। तो ये जो अगर आप इसको गौर से देखें इसका पीछे से यहाँ पे ट्रैक बना हुआ है जिसकी वजह से दिक्कत करता है। अब यही वोल्टेज आगे कन्वर्ट होके इन तीन कनेक्टर्स पे जाती है जो आप पीछे से देख रहे हैं। इनमें अगर गौर से देखेंगे तो ये 1 2 3 कनेक्टर दिए हुए हैं। अगर हम बैक साइड में देखें तो इनमें से एक कनेक्टर जो है वो आपका कंट्रोल पैनल का होगा, एक कनेक्टर आपका लेज़र स्कैनर का होगा, एक कनेक्टर आपका ईसीयू कार्ड का होगा जो कन्वर्ट करने के लिए काम करने यूज़ होता है, एक जो कनेक्टर है वो फॉर्मेटर कार्ड में लगेगा फॉर्मेटर कार्ड को पावर सप्लाई देने के लिए। और ये जो छोटा सा 2 पॉइंट दे रखे हैं ये दे रखे हैं टोनर की आईसी को जो चिप होती है उसके साथ कन्वर्ट करने के लिए कि टोनर की चिप प्रॉपर काम कर रही है कि नहीं कर रही, और इसका ऑन ऑफ का स्विच है जिसकी वजह से ये ऑन होता है। अगर हम इसी के अगले सेक्शन को देखेंगे, जैसे हमने वोल्टेज का देखा कि 24 वोल्ट चारों तरफ ऑपरेट होगी, इस सेक्शन से ऑपरेट होकर स्विच के पास जाएगी और बाकी सेक्शंस में वोल्टेज देने के लिए 24 वोल्ट से 5 वोल्ट में कन्वर्ट होगी। ये इसका मेन चिप है। अगर आपकी वोल्टेज 5 वोल्ट बन रही है या 3 वोल्ट बन रही है और आपके सारे के सारे प्राइमरी के सारे सेक्शन ठीक हैं, सेकेंडरी के भी ठीक हैं, तो उस केस में आपकी ये मेन चिप खराब होती है। अब दूसरा मेन सेक्शन इसमें आता है प्रिंटिंग का। अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें भी और पावर सप्लाईज की तरह जो हमने पहले चेक करी है, इसमें एक ट्रांसफार्मर लगा है हाई वोल्टेज के लिए और लो वोल्टेज के लिए 2 ट्रांसफार्मर लगा रखे हैं। दूसरी सप्लाइयों में 2 ट्रांसफार्मर लगे होते हैं हाई और लो के लिए, बट इसमें एक के थ्रू कंट्रोल किया गया है। इसमें हाई वोल्टेज यहाँ से कंट्रोल होती है और लो वोल्टेज यहाँ से कंट्रोल होती है। अगर आपका ब्लैक पेज आ रहा है तो आपका ये ट्रांसफार्मर ख़राब है, और अगर वाइट पेज शेडिंग पेज आ रहा है तो दोनों आपके ट्रांसफार्मर ख़राब हैं। इसके आसपास के 2 कैपेसिटर जो दिए हुए हैं ये भी ख़राब हो सकते हैं, एक ट्रांजिस्टर दिया हुआ है ये भी ख़राब हो सकता है, इसके आसपास के ये रेजिस्टेंस जो छोटे दिए हुए हैं डायोड दिए इसकी वजह से भी आपका वाइट या ब्लैक पेज आ सकता है। लेकिन केवल अगर प्रॉपर आपका जेट ब्लैक पेज ना आ रहा हो तो उसके कंडीशन में ये 2 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, उसके आसपास के कंपोनेंट दे रखे हैं, इसमें भी लीकेज होती है जिसकी वजह से आपकी सप्लाई या प्रिंटिंग प्रॉपर नहीं आती। अगर आप इसको गौर से देखें जो हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज का यहाँ पॉइंट दिया गया है, ये दोनों ट्रांसफार्मर कन्वर्ट हो गए इन सर्किट के थ्रू इस आईसी पे जा रहे हैं। ये जो आईसी दे रखी है इसका नंबर है IC301, और जो आईसी जो 301 है ये आपके स्कैनर सेक्शन को कंट्रोल करती है। और इसके अलावा आप यहाँ पे 2 आईसी और देख रहे हैं जो ये पावर सेक्शन को कंट्रोल करेगी और ये हीटर सेक्शन के लिए कंट्रोल करेगी। तो इसके थ्रू जब आप स्कैनर कंट्रोल करते हैं, स्कैनर का कोई भी इशू आता है तो ये आईसी या इसके आसपास का कोई भी कंपोनेंट खराब हो सकता है। अब ये हो गया हमारा प्रिंटिंग सेक्शन। अब हमारा आता है फ्यूज़र सेक्शन। जैसे कि आपने बाकी सप्लाई में चेक किया है कि यहाँ भी BC/8PM ही एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है जिसको अगर हम प्रॉपर क्रॉस चेक करेंगे तो ये दोनों तरफ ही इम्पीडेंस दिखाएगा, जैसा कि आप मीटर में चेक कर रहे हैं। और अगर आपस में चेक करेंगे तो ये बीप दिखाएगा, लेकिन ये ऊपर की तरफ कोई बीप नहीं दिखाएगा। अगर ये ऊपर की तरफ कोई इम्पीडेंस दिखाता है इसका मतलब आपका हीटर प्रॉपर काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट वोल्टेज एसी के थ्रू आ रही होती है। इस ट्रांजिस्टर के थ्रू जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इस ट्रैक के थ्रू रेजिस्टेंस, और यहाँ पे एक ऑप्टो कपलर लगा हुआ है। अगर आप पीछे गौर से देखें यहाँ पे एक ऑप्टो कपलर लगा हुआ है, इस ऑप्टो कपलर के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। ये इसका रिले है जो कि 24 वोल्ट से ऑपरेट होता है, इसी रिले को क्लिक करने के बाद ये आगे काम करता है। तो जैसे हम इसको बैक साइड से देखेंगे इस ऑप्टो कपलर और रिले के थ्रू कन्वर्ट करके ये इस मेन आईसी के साथ काम करता है जिसकी वजह से आपका हीटर प्रॉपर काम करता है। अब इस तरह हमने अपने इसके पूरी सप्लाई के चारों सेक्शन कंट्रोल किए हैं कि चारों सप्लाई में जैसे पावर सप्लाई का इशू, वोल्टेज फ्लक्चुएशन,
पेंटिंग और फ्यूज़र का सारा हमने कंट्रोल किया है। बट कई बार ऐसा होता है कि आपकी सप्लाई ऑन होती है, 24 वोल्ट भी बन रही है, हीटर के लिए प्रॉपर वोल्ट भी बन रही है, बट कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिक ये सप्लाई ऑफ हो जाती है। अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि प्रिंटर चलते चलते अपने आप ऑन हो जाता है और अपने आप ऑफ भी हो जाता है। तो उस केस में अगर हम गौर से देखें तो इसकी बैक साइड में एक स्विच दिया हुआ है, इस स्विच में लीकेज आने की वजह से, कार्बन आने की वजह से ये प्रॉब्लम अक्सर आती है। अगर आपका प्रिंटर ऑफ हो रहा है बार बार कुछ टाइम काम करने का 5 से 10 पेज का, तो आप इस स्विच को चेंज कर देंगे क्योंकि इसमें कार्बन आ गया है। कार्बन आने की वजह से आपकी मशीन कभी भी चलते चलते 5 से 10 पेज के बाद ऑफ हो जाती है, वो प्रॉब्लम इस स्विचिंग के थ्रू आती है। तो ये आप ही, आपके सामने हमने कंप्लीट पावर सप्लाई का पूरा ब्लॉक डायग्राम, फॉल्ट फाइंडिंग का तरीका बताया है, आप इसको इस तरीके से चेक कर सकते हैं।